अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गोभी गोश्त की रेसिपी कैसे तैयार की जाती है। उसके लिए मैं यहाँ पे 3 पाव गोश्त यूज़ कर रही हूँ। ये बीफ का गोश्त मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप चिकन मटन जो चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। 2 किलो मैं इसमें गोभी यूज़ कर रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई हल्दी, 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1/2 टेबल स्पून नमक, 2 मीडियम साइज़ की प्याज और तकरीबन 10 अदद हरी मिर्च। प्रेशर कुकर में मैंने गोश्त ऐड कर दिया है, साथ ही अब मैं उसके अंदर हरी मिर्च, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्लेम मैंने इसके नीचे ऑन कर दी है, प्याज, सुरख मिर्च, पिसी हल्दी और नमक ऐड करूंगी। ये सब इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद एक प्याली में इसके अंदर पानी ऐड करूंगी गोश्त को गलाने के लिए। ये बॉयल होना शुरू हो गया, इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसका प्रेशर लगा दूँगी गोश्त को गलाने के लिए। 10 मिनट का मैंने इसे प्रेशर लगाया था, गोश्त गल चुका है। अब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी, 1/2 मग ऑफ कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे तेज़ आंच पे। और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो फिर हम इसके अंदर गोभी ऐड कर देंगे। गोश्त को मैंने अच्छे से भून लिया है कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद। अब मैं इसके अंदर गोभी ऐड कर दूंगी। गोभी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। पहले मैंने 10 मिनट का प्रेशर लगाया था गोश्त गलाने के लिए, अब गोभी को गलाने के लिए हम अगेन इसका प्रेशर लगा देंगे। 5 मिनट का मैंने इसे प्रेशर लगाया था, गोभी गल गई है, गोभी गोश्त की रेसिपी बनके तैयार है। अब हम इसके नीचे फ्लेम बंद कर देंगे और इसके अंदर सूखी मेथी ऐड करेंगे खुशबू के लिए और इसे कवर करके रख देंगे। गोभी गोश्त की रेसिपी बनके तैयार है। आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।